निकोलस ब्रुअर का चाल अलग है, निकोलस ब्रुअर का अंदाज अलग है, क्योंकि जिस तरीके से मैच फिनिश किया उसका अंदाज अलग है। मतलब क्या पिटाई किया इस बंदे ने, आते ही 3 छक्के, ऐसे कौन पिटता है यार। ऐसे पिटाई किया निकोलस ब्रुअर ने कि शायद हैदराबाद गेंदबाजों को कई दिनों तक नींद ना आए, क्योंकि एक समय लखनऊ की टीम 15 ओवर तक मैच में कतई था ही नहीं, क्योंकि उन्हें 5 ओवरों में करीब 73 से ज्यादा का स्कोर चाहिए थे। लेकिन यही तो आईपीएल का मजा है, कब बदल जाए कोई नहीं जानता, बस उसके बदलने वाला हुनहार चाहिए, और इस मैच में बदलने वाले हुए निकोलस ब्रुअर। और निकोलस ब्रुअर ने महज 13 गेंदों में 44 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस मैच को 4 बॉल शेष रहते हुए इस मैच को जीत लिया। आखिर इस मैच में एक्चुअल में हुआ क्या था, इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने आए, जिसमें अभिषेक शर्मा नाकाम रहे और जल्दी आउट होते गए। उसके बाद अलमोहन सिंह और राहुल त्रिपाठी की भी छोटी सी साझेदारी हुई, लेकिन राहुल त्रिपाठी निकाम रहे और 20 रन बनाकर चलते हुए। उसके बाद से कोई हालांकि ज्यादा कुछ अच्छे बैट्समैन नहीं किया, लेकिन बाद में हेनरी क्लासन ने सनराइजर्स हैदराबाद को बैटिंग लेवल को सुधारा और उन्होंने भी 27 रन बनाकर आउट हुआ। लास्ट में फिनिश किया अब्दुल समाद ने, अब्दुल समाद के अच्छे पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20 ओवरों में 142 रन बना दी और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 20 ओवरों में 183 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि 183 रन का लक्ष्य ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन इस विकेट में शायद बनाना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मुश्किल था, क्योंकि इस मैच में केएल राहुल भी नहीं खेल रहे हैं। वैसे तो केएल राहुल के खेलने या ना खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके जगह क्विंटन डिकॉक खेल रहे हैं और उनके साथ काइल माइज। दोनों ने मिलकर लखनऊ के पारी को नहीं संभाल पाए और काइल माइज नाकाम रहे और उन्हें 14 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए। नतीजा यह हुआ कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पावर प्ले में 30 रन बनाया और 1 विकेट गंवा दिया। उसके बाद क्विंटन डिकॉक भी नाकाम रहे, उन्होंने भी 20 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इस मैच में दूसरे तरफ एक दूसरा बैट्समैन एंट्री मार चुका था, प्रेरक माकंड और मार्कस टोनिस से मिलकर 80 साझेदारी के, लेकिन माकंड के साथ नहीं निभा पाए मार्कस टोनिस और मार्कस टोनिस से 25 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन असली तो मजा आया 16वां ओवर में, जब आए निकोलस ब्रुअर और निकोलस ब्रुअर ने आते ही लगातार 3 छक्के मारे। जब निकोलस ब्रुअर आए थे तो शायद लखनऊ की टीम ने मैच से पूरा ही तरह से पीछे हो चुकी थी, लेकिन निकोलस ब्रुअर ने आते ही धुआंधार पारी खेली और निकोलस ब्रुअर ने महज 13 गेंदों में 44 रन ठोक डाली। और दूसरे तरफ टिके हुए थे प्रेरक माकंड ने इस इनिंग में 45 गेंदों का सामना किया और 64 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हालांकि इस मैच को फिनिश किए निकोलस ब्रुअर ने चौका मारकर लखनऊ की टीम को जीत दिलाई और पॉइंट टेबल में फिर एक बार लखनऊ की टीम ने 4वें नंबर पे आ गई। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि लखनऊ की टीम सेमीफाइनल पहुंच पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।